उदय निधि और स्टालिन नहीं रहेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जनता इन लोगों को इनके पद से उतार करके फेंक देगी। मनीष कश्यप को जिस प्रकार से इन लोगों ने गलत ढंग से तकलीफ दिया है ना, तो ईश्वर भी तो देख रहा है और वही अब इनके ऊपर होगा। ये मूर्ख लोग हैं। नहीं सर, मंत्री हैं और उनके पिता मुख्यमंत्री हैं, वो लोग तमिलनाडु संभाल रहे हैं। नहीं, बट ये इनकी जो सनातन के प्रति जो बात है वो उनको मूर्ख की श्रेणी में खड़ा कर रही है। उदय निधि जी की माता जी भी उन्हीं को मानती हैं, वो भी सनातनी हैं। लेकिन उनके बिगड़े बोल तो सनातन को ही लेके है सर। बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बिगड़ गए हैं और बिगड़ जाएंगे तो इनको तमिलनाडु की जनता रगड़ देगी। इनका जो कुनबा है उनका मूल जो अंदर की सोच है ना, वो है कि हम सनातन को चोट पहुंचा रहे। तुम क्या पहुंचाओगे? सनातन को चोट पहुंचाने वाले बहुत लोग आए और खुद ही समाप्त हो गए, उनकी पीढ़ियां समाप्त हो गई। उदय निधि स्टालिन ने जब से सनातन को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया है तब से लगातार बवाल मचा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत आपका सस्तक न्यूज़ में। थैंक यू सो मच, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। उदय निधि स्टालिन कहते हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, उनके इस बयान पर क्या बोलेंगे? उन्हीं के राज्य में आज घर घर जन्माष्टमी मन रही है, जहाँ के वो विधायक हैं या जहाँ की सरकार में हैं, तो जन्माष्टमी अगली बार भी रहेगी। बस उदय निधि और स्टालिन नहीं रहेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जनता इन लोगों को इनके पद से उतार करके फेंक देगी। ये कहते हुए कि आप लोगों को हमने शासन चलाने के लिए दिया था, आपको हमने गरीबों का विकास करने के लिए दिया था, आप लूट में हैं। पहला लूट संसाधनों से और दूसरी लूट जो संस्कृति को चोट पहुंचा रहे हैं। तो ये लोग क्या है ना, ये मूर्ख लोग हैं। नहीं सर, मंत्री हैं और उनके पिता मुख्यमंत्री हैं, वो लोग तमिलनाडु संभाल रहे हैं। नहीं, बट ये इनकी जो सनातन के प्रति जो बात है वो उनको मूर्ख की श्रेणी में खड़ा कर रही है। और ऐसा बताओ, तमिलनाडु में हर घर में कुछ, बस इनका पता नहीं, उदय निधि जी की माता जी भी उन्हीं को मानती हैं, वो भी सनातनी हैं। लेकिन उनके बिगड़े बोल तो सनातन को ही लेके है सर। बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बिगड़ गए हैं और बिगड़ जाएंगे तो इनको तमिलनाडु की जनता रगड़ देगी। मनोज जी, सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि इन्होंने एक तो सनातन संस्कृति का मजाक बनाया, ऐसे बयान दिए, उसके बाद ये ट्वीट करते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला और ना मैं माफ़ी मांगूंगा और कोई भी कानूनी कार्रवाई हो तो मैं तैयार हूँ। नहीं, वो माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उनको जनता माफ़ करेगी भी नहीं। ऐसे लोगों को देखो, रावण को भी तो ऐसे ही अहंकार था ना, कंस को भी ऐसे ही अहंकार था। तो ये अहंकारी लोग हैं, इनके अहंकार को तमिलनाडु की जनता ही चूर चूर कर देगी। मनोज तिवारी को कहने की कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो सनातनी हूं ना, तो मैं इनकी बातों से मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे इनके ऊपर सहानुभूति हो रही है कि बेचारे इनको तमिलनाडु की जनता राजनीतिक रूप से समाप्त कर देगी। लेकिन मनोज जी, इन लोगों का मन तो आए दिन कहीं ना कहीं बढ़ता ही जाता है। कभी कोई नेता उनके पार्टी के कह देते हैं, अब तो उनके बेटे ही स्टालिन। नहीं, इसकी लीगल कार्रवाई होने जा रही है, इन लोगों को इसकी सजा मिलेगी। आप लोगों का क्या मांग है ऐसे लोगों के लिए? नहीं, हमने तो तमिलनाडु भवन जा करके हमने ज्ञापन दिया और हमने कहा कि इनको या तो ये माफ़ी मांग ले तुरंत, नहीं तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश एक संविधान से चलता है और इस देश में दूसरे धर्मों को गाली देने वाला, दूसरे धर्मों पे अटैक करने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इनको मिलेगी। सर, इस पे जो इंडिया गठबंधन है, कोई भी नेता इस पे कुछ भी बोलने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? स्टालिन से तो बहुत बनती है उनकी। क्योंकि वो एंटी इंडिया है, उनके गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन नहीं है, वो INDIA गठबंधन है, INDIA और देश को इन पे डाउट ही डाउट है। इनका जो कुनबा है उनका मूल जो अंदर की सोच है ना, वो है कि हम सनातन को चोट पहुंचा रहे। तुम क्या पहुंचाओगे? सनातन को चोट पहुंचाने वाले बहुत लोग आए और खुद ही समाप्त हो गए, उनकी पीढ़ियां समाप्त हो गईं। अब ये नई नई कुछ लोग खड़े हुए हैं,
इनको तमिलनाडु की जनता ही सबक सिखा देगी, हम तो बस जैसा हमारे कहते हैं ना कि आवेश में नहीं आना चाहिए, सनातनी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, समय आने पे ऐसे मूर्खों का इलाज कर देना चाहिए। सर, इंडिया गठबंधन के लोग हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तो इनके इस बयान से क्या लग रहा है कि मोहब्बत होगी या फिर सनातनियों का गुस्सा आएगा तो दंगा होगा? ये चाहते तो हैं कि दंगा हो, लेकिन सनातनी दंगा नहीं करते। सनातनी दंगा कभी नहीं करते हैं। हाँ, पंगा ले लिया है तो समय आने पे इनको इनके औकात बता देंगे सनातन। ट्विटर पे बीते दिन ट्रेंड हुआ है कि हिंदू विथ मनीष कश्यप, एंड एक चीज और हुआ है कि स्टालिन पे जो है उदय निधि है उनपे NSA लगना चाहिए क्योंकि वो नफरत फैलाने का काम कर, ऐसा सनातनी कह रहे हैं। मनीष कश्यप को जिस प्रकार से इन लोगों ने गलत ढंग से तकलीफ दिया है ना, तो ईश्वर भी तो देख रहा है और वही अब इनके ऊपर होगा। NSA तो गलत ढंग से किसी पे लगाना तो उसके लिए वरदान है। अगर आप गलत ढंग से NSA लगाते हैं तो और बड़ा हीरो बन के निकलता है व्यक्ति जी। लेकिन इन्होंने जो अपराध किया है, उदय निधि और चिदंबरम के बेटे ने और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने, इन लोगों को आप देखना, मैं सच तक में आप सबसे बता रहा हूँ कि इनको इस देश का संविधान ऐसी जगह ले जा करके रख देगा जहां से आने वाले समय में कोई किसी धर्म का, किसी धर्म के विरुद्ध ऐसी नफरती बात करने में हजार बार सोचेगा।